शूट चल रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, शॉर्ट फिल्म है। सो गाइस देखो टीम, ये डायरेक्टर है पवन वर्मा जी, ये मेरा केक सेट करने लग रहे हैं। ये तो स्माइल है ना ये पहली स्माइल आपकी। ये मेरे पापा है, हेलो पापा, से हेलो, सभी को नमस्कार। बेटी पापा अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये क्या चल रहा है, थोड़ा कुछ बताएंगे अपने बारे में और शूट के बारे में? हाँ, ये क्या कहते हैं, द वॉलेट करके एक लघु फिल्म है और बहुत अच्छी पिक्चर है। और यह है कि लोगों की संवेदनाओं से जुड़ी हुई पिक्चर, बहुत संवेदनशील पिक्चर है और सभी को फिल्म देखनी चाहिए। आपको ना कंटिन्यू स्माइल रखनी है ना, अभी थी बहुत प्यारी स्माइल कैमरे पर आ गई, ठीक है ना, स्माइल के साथ, ठीक है, स्माइल मुझे भी स्माइल। हाँ, स्माइल के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो यार। इसका मतलब है पापा स्माइल करो, मैं नहीं करूँ। तो ये तो उल्टा हो जाएगा, वो सबको लगेगा पापा का बर्थडे। आपको एंगल चेंज होगा ना, तब हल्के से आना है, बार ठीक है, वॉलेट रखना है, देखते रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, दिल का फीलिंग है, दिल का फीलिंग है। लगा तो क्या, हाँ लगा दो यार, वही पसीना। पापा को सेटिंग आ रही है, मेकअप दादा। हाँ मेकअप दादा, मेकअप दादा कोई आई नहीं अभी। पवन के पास अच्छा बजट है और एक केक लिया है। So, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पवन मतलब मेरा अच्छा फ्रेंड भी है और जयपुर से ही है, तो थोड़ा सेटअप में टाइम लग रहा है। सुबह थोड़ी देर बाद के बाद हम फिर से आते हैं। My friend, what's your name? उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज, ठीक है।
आपने एंट्री लेना, आपकी नजर उधर नहीं जानी चाहिए। इधर रीजन क्या है, रीजन क्या है उधर नहीं जाने का, क्योंकि एक नजर उनकी भी इधर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा सीन में कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो नहीं शो करना अपने को। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पर्स रखना है और वो गिल्टी वाले फील से नजर झुका के कहीं पे मत देखो, नजर झुका के देखो। बहुत ही अच्छा वाला सीन था। ये देखो हैप्पी बर्थडे, किशन किशन को नहीं उतरना चाहिए वरना। शूट खत्म हो गया हमारा, बहुत ही थकान हो रही है अभी, ऐसा लग रहा बस अब तो सो जाओ, लेकिन सोने से पहले वीडियो क्लिप ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर मेरा शूट का BTS रिकॉर्ड नहीं हुआ, शूट के बीच में ही मेरे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मुझे चार्ज में लगाना पड़ा और अभी ऑन करके मैं बस इसीलिए आपको बोलने वाली हूँ कि शूट ख़त्म हो गया। 2 दिन का शूट था ये और शायद एक दिन कल और है हमारा शूट ना, कल शूट है ना। हाँ कुछ सीन्स हैं जिसमें आउटडोर के शूट हैं, आउटडोर के सीन्स हैं। सब लोग चले गए हैं, टीम के 2 कैरेक्टर्स रह रहे हैं हमारे यहीं पे, स्टे कर रहे हैं पवन के घर, ये मेरे पापा, माय ऑन स्क्रीन पापा। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा और क्या बोलते हैं, एक और हम हमारे सर से मिलाना चाहते हैं, ये मुंबई के ऐसे एरिया में रहते हैं, हर एक्टर से मिलते हैं, हर स्ट्रगलर से मिलते हैं, हर अभिनेता, हर राइटर, डायरेक्टर सबसे मिलते हैं क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। तो इनका काम क्या है, सबसे पहले मेनली तो ये बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं हर टाइप की। एक आर्टिस्ट को कैसी बुक चाहिए, एक राइटर को कैसी बुक चाहिए, हर टाइप की बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं और ये मुंबई नहीं हर एक स्टेट में ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शरद है और मेरा पब्लिकेशन है हिंदी किताबों का, और मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी किताबें लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, लोग उस फिल्म किताबों से कहानियों में से फिल्म या वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म बने, उससे लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आजकल की जनरेशन किताबें पढ़ रही है
और आज शूट हुआ था इधर और काफी अच्छा मजा आया और सबने ही बेहतरीन काम किया है। इन्होंने भी एक कैरेक्टर किया है और मेरा इसमें छोटा सा ही किरदार था, मगर मजा आ गई इस फिल्म में काम करने की। और इसमें पवन जी का भी काफी मेहनत वगैरह लगी है, रजनी जी ने भी काफी मेहनत की है, बर्ड जी ने भी है, और बाकी टीम के सारे लोगों ने अच्छी मेहनत की। और अभी अभी शूट खत्म हुआ है तो सब कुछ लोग अपने अपने घर चले गए हैं और हम अभी पवन जी के घर पर रुके हुए क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहता हूं। और दूसरा ये है कि आप रजनी जी के यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिए, और रजनी भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बाल कलाकार भी बोल सकते हैं। और आपने सही कहा, मैं बाल कलाकार के ही रोल करती हूँ ज़्यादा, आज भी मैंने बाल कलाकार का ही रोल अदा किया है। आप इसके यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए जिससे इसको और प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों अब तो आपको करना ही पड़ेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, फिर से एक उसी स्टेज पे ला दो चैनल को जो 3-4 साल पहले था प्लीज़। हाँ मेरी फॉल्ट है क्योंकि मैं अपडेट नहीं रहती हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, किसी दिन बैठ के बात करेंगे और वो रीज़न के मैं जो आंसर है वो दूंगी भी। तो बस छोटे से लाइन में कहूँगी कि फिर से आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बाकी आप कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हर जगह पे। और हाँ इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट हैक हो चुका है 2 महीने से, तो आप प्लीज़ वहाँ जो पहले वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे मैसेज ना करें, मेरा नया चैनल बना लिया मैंने, अकाउंट खोल लिया ऑफिशियल रजनी जांगड़ ऑफिशियल, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय, गुड नाइट।